तो आपने नाम दिया था ब्रिज मंडल मेवात यात्रा, यानी मेवात ब्रिज भूमि का पार्ट है और पार्ट बना रहेगा आपका? बिल्कुल बना रहेगा, किसी की ताकत नहीं है जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बना दे। वो तो चाहते हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाए, और जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया इनके पीछे अनेक संगठन हैं, उनका भी हाथ होगा इनमें। बड़े पावरफुल मोमन खान जैसे इलियास भी आ रहा अब तो, कि हमें मार रहे हैं, रोने उन्हें दे रहे, तुम पहले रो लेते तो फिटते क्यों, अब भगे डोल रहे हो, घर टूट रहे हैं। योगी की तर्ज पे हमारे जो खट्टर साहब भी अब उसी एक्शन में आ गए हैं, तो उनके पेट में दर्द हो गया। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है, सरकार उनको दबाना चाहती है, और इसमें आप भी शामिल हैं सरकार के साथ? जी, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ने, हमारी लोकल न्यूज़ देखती है कभी भी, प्रसन्न भी करते हैं ना, कभी मैं इलेक्शन लड़ा ना मैंने कभी भविष्य में लड़ूंगा। कभी किसी बड़े नेता का फोन आया सरकार की तरफ से, उन्होंने मेवात हिंसा के बारे में आपसे कोई जानकारी ली, कुछ पूछा कि वहाँ पर हुआ क्या था? तो नेता का कोई मतलब नहीं, हम नेता से पूछ के थोड़ा काम कर रहे हैं, किसी से 25 साल से काम कर रहा हूँ तो कोई नेता थोड़ा चलाएगा, सभी सनातनी भाइयों को, सब अपनी इच्छा से स्वयं काम कर रहे हैं। बहुत सारा मीडिया हमें फोन करता है और आपकी जानकारी मांगता है, तो कब से जुड़े हैं गौरक्षा से, कब से जुड़े हैं, ये जो आपका काम है सोशल वर्क का कब से कर रहे हैं? 99 से कर रहा हूँ जी, कितने साल हो गए। कोई आप पर पहले भी हमला हुआ? कई हमले, एक महीने पहले हुआ हमला, कोई देखता ही नहीं है, एक महीने पर मेरी गाड़ी तोड़ दी है, 3 फायर करे बड़कल में, कभी कहीं कभी कहीं। खतरे पे बैठे हो आप? खतरे पे तो बैठना सनातनियों का काम है। तो कभी पुलिस को बताया नहीं किससे खतरा है आपको? जब सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है तो बताना क्या है, मामले दर्ज हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, सामने सबके सामने कोई ये तो नहीं है। कल भी हैदराबाद से धमकी आई थी, तो ये तो आ रही हैं, इसमें क्या है? अच्छा, धमकी आती हैं और आप बैठ जाते हो अपने घर पे, ठीक है भाई सब मार दो। सुबह शाम चौकी थाने में थोड़ा भगता रहूँगा, 50 धमकी आएंगे तो 50 थानों में जाऊँगा मैं। अभी पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की है उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? बिल्कुल। और एसपी हैं नरेंद्र बिजरानिया जी, उन्होंने बोल दिया जिन्होंने दंगा किया है, जिन्होंने हिंसा की, पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम फेंके, आगजनी की, उनके कान पकड़ के खुद ही ले आइए, वरना मैं अपने हिसाब से पकड़ूंगा, फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। देखो, प्रशासन और कानून से बड़ा कोई नहीं है, और जो कानून के हाथ को, कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे कोई हो, कोई धर्म का आदमी हो, प्रशासन अपना काम करेगा। और इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है कि दोषी कोई भी हो, पाताल में भी छुप जाएगा, उसको हम छुपने नहीं देंगे और बाहर लाएंगे।